अनिस भाई ने जिजाऊ के सरकारी से आज एक कैंप लगाया है, मेडिकल कैंप। मैं इसमें फराज इस्माइल साहब का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने आज छोटी सी बस्ती को नज़रअंदाज नहीं किया, यहाँ पर भी एक मेडिकल कैंप देने का काम किया। आज के दौर में अगर मोतियाबिंद का ऑपरेशन करने जा रहे हैं तो कहीं 20,000 कहीं 25,000 रुपए लग रहा है। ऐसे ही छोटे मोटे कैंप हम लगवा रहे हैं हमारे वार्ड नंबर 2 में, जिसके अंदर गरीबों का फायदा हो रहा है। आज यहाँ पर मेडिकल कैंप रखा गया जिसमें 200 से ज्यादा लोगों को चेकअप किया गया है, जिसमें 26 अब तक के 26 पेशेंट मोतियाबिंद के मिले, जिनको मंडे के दिन ऑपरेशन के लिए भेजा जाएगा, और 50 से ज्यादा लोगों को मुफ्त में चश्मे मिले हैं। जी, आज यहाँ पर फरीदबाग के अंदर हमारे जो शाखा अध्यक्ष है अनिस भाई ने जिजाऊ के सरकारी से आज एक कैंप लगाया है, मेडिकल कैंप। मैं इसमें फराज इस्माइल साहब का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने आज छोटी सी बस्ती को नज़रअंदाज नहीं किया, यहाँ पर भी एक मेडिकल कैंप देने का काम किया। और यहाँ पर जो गरीब लोग हैं, आप देख रहे हैं सुबह से यहाँ पर भीड़ लगी हुई है, तो उन लोगों का, गरीब लोगों का किस तरीके से फायदा हो सके, और महाराष्ट्र दक्कन मुस्लिम सेवा संघ हमेशा ये सब कामों में आगे रहती है, तो इस काम में भी जीजाऊ के साथ मिलकर हम लोग एक कैंप लगाकर कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से गरीब और वंचित लोगों का फायदा हो सके। महाराष्ट्र दक्कन मुस्लिम सेवा संघ के तरफ इसके पहले हमने एक कैंप लगाया था, जिसके अंदर 17 से 18 मोतियाबिंद ऑपरेशन हमने फ्री में करवाया था। वैसे ही उसी को देखते हुए जुजाऊ और महाराष्ट्र दक्कन मुस्लिम सेवा संघ के इमरान भाई अध्यक्ष है, जुजाऊ अपने नीलेश सामरे साहब, उनके नेतृत्व में हमने ये कैंप लगाया है, और जिसके अंदर मोतियाबिंद का ऑपरेशन फ्री ऑफ कॉस्ट रखा गया है, जिसके अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट मोतियाबिंद के ऑपरेशन और प्लस चश्मे बांटे गए, और जैसे जर्नली जो भी दवाई है वो भी मिल रही है यहाँ पर। यहाँ पर कम से कम अभी नहीं बोलेंगे तो 60 से 70 पेशेंट आंखों के मोतियाबिंद के निकले हुए हैं। रिस्पांस माशाल्लाह एक नंबर है। रिस्पांस के लिए कुछ भी मतलब बोलने ऐसा कुछ भी नहीं, अच्छा है रिस्पांस। आप देख रहे हैं कि मतलब हर गरीब परेशान है। आज के दौर में अगर मोतियाबिंद का ऑपरेशन करने जा रहे हैं तो कहीं 20,000 कहीं 25,000 रुपए लग रहा है। ऐसे ही छोटे मोटे कैंप हम लगवा रहे हैं हमारे वार्ड नंबर 2 में, जिसके अंदर गरीबों का फायदा हो रहा है। जीजाऊ संस्था के संस्थापक अध्यक्ष नीलेश सामरे सर और दक्कन मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी के अध्यक्ष इमरान भाई, इनके संयोग से भिवंडी में सामाजिक और शैक्षणिक कार्य बड़े पैमाने पर किए जा रहे हैं। जीजाऊ संस्था और दक्कन मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी ने यहाँ फरीदबाग में आज एक मेडिकल कैंप का आयोजन हमारे अनिश शेख, जो कि शाखा अध्यक्ष है, उनके जरिए किया गया। उनकी डिमांड थी कि सर यहाँ पर भी कई ऐसे मोतियाबिंद के मरीज हैं जिनका ऑपरेशन फ्री में होना चाहिए, उसको देखते हुए आज यहाँ पर मेडिकल कैंप रखा गया, जिसमें 200 से ज़्यादा लोगों को चेकअप किया गया है, जिसमें 26 अब तक के 26 पेशेंट मोतियाबिंद के मिले, जिनको मंडे के दिन ऑपरेशन के लिए भेजा जाएगा, और 50 से ज़्यादा लोगों को मुफ्त में चश्मे मिले हैं। मैं जीजाऊ संस्था की ओर से हमारे आज के प्रमुख उपस्थित, जो अपना कीमती समय निकाल के दक्कन मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी के जो चेयरमैन हैं इमरान भाई, आकर के हमारे सारे टीम का हौसला बढ़ाए और अपनी उपस्थिति इधर दर्ज कराई, उनका संस्था की ओर से शुक्रिया अदा करता हूँ। साथ ही जो कैंप का आयोजन जिन्होंने किया अनिस भाई, उनका भी संस्था की ओर से शुक्रिया अदा करता हूँ।